गुरुजी मेरे लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है इतनी बड़ी एंड लगातार प्रॉब्लम्स के बाद अब से भी कुछ होने का डर लग रहा। देखो प्रॉब्लम्स और जो फियर्स हैं हमारे वो तो हर वक्त है ही शालिनी। हम अगर इस तरह से सोचेंगे कि बाहर सड़क पे जाते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स का डर बना रहता है, वहाँ पे रिस्क बना रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। हम फिर भी निकलते हैं बाहर, हम फिर भी अपनी मंजिल की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये फियर्स, डाउट, प्रॉब्लम्स, ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके प्रति जो है हम थोड़ा सजग होना शुरू हो जाते हैं, हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं और अपने जीवन को जो है जितना जाग के जी सकते हैं, जितना कॉन्शियसली जी सकते हैं, जितना अवेयर होके जी सकते हैं, उतना हम जो है अपने जीवन को उस तरह से जीना शुरू करते हैं। और जितना जाग के कोई व्यक्ति जीना शुरू करता है, उतना जीवन से जो है, जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं लाइफ के, वो सब धीरे धीरे जो है डिसअपेयर होने शुरू हो जाते हैं। अब डिसअपेयर होने शुरू हो जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ लगी रहेंगी, लेकिन आपका एक उस प्रॉब्लम से जैसे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और वो डिस्टेंस क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिंपली जो है लाइफ की एक तरह की एक्सेप्टेंस है कि मैं स्वीकार करता हूं कि जीवन में ये सब घटनाएं हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बोलता हूं कि जितना हमारे अंदर जो है उस अवेयरनेस आती है, जितनी हमारे अंदर जाग आती है, उतने फियर्स डिसअपेयर होने शुरू हो जाते हैं, उतना हमारे जो वो जो जाग है, हमारी जो क्लैरिटी है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर में आ सकती है, बहुत सारी तो वैसे ही अवॉइड हो जाती है। वो जो आपका जो प्रश्न है, क्या डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस यही है कि हर क्षण जो है एक चॉइस है हमारे सामने कि हम क्या चूज करेंगे, कि हम क्या रास्ता जो है अपनाएंगे। जब प्रॉब्लम है, जब इश्यूज हैं, उस क्षण जो है हम उसको किस तरह से डील करेंगे, ये चॉइस जो है ये हमेशा से है हमारे पास। अगर हमने उसको पैनिक की तरह उसको जो है लेते हैं, अगर हम उस वक्त बौखला जाते हैं, उस वक्त घबरा जाते हैं, तो वो मोमेंट जो है हमने उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, उसको हम ठीक से जो है जी नहीं पाए। अगर हम उस मोमेंट को जितना हम रिलैक्स वे से अगर हम डील कर सकें, मेरे एक टीचर हैं, वो उनसे जो एक सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा, उनका एक सेंटेंस है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। वो कहते हैं कि डू एंड टेक थिंग्स इन अ काम एंड रिलैक्स वे, कि चीज़ों को रिलैक्स वे से जो है डील किया जाए। कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी स्थिति हो लाइफ की, जितना हम काम और रिलैक्स वे से जब उन चीजों को डील करते हैं, आधी प्रॉब्लम्स जो हैं आपने वैसे ही कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लिया। बहुत मैटर करता है कि क्या एटीट्यूड है हमारा, किस तरह से जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। अगर हम पैनिक करते हैं, घबराते हैं, भागते हैं, चिंता करते हैं, तो सिंपली जो है हमें जिस तरह से डील करना चाहिए चीजों के साथ, वो शक्तियां जो है हमारी फियर में चली जाती हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम जो है उसको कन्फ्रंट करने के लिए राजी हैं कि अभी ठीक है, मैं देखूंगा, मैं फेस करूंगा एंड आई विल डील विद इट, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, उस डील करने में जो है हमारी शक्तियां जो है हमारी सहायता करती हैं, हमारे को जो है उस स्थितियों से जो है उस स्थितियों की क्लैरिटी देती हैं कि क्या किया जाना चाहिए,
क्योंकि अगर हम यहाँ से जो है डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, चिंता में हैं, तो जो इस मोमेंट में जो है आपको जो सोल्यूशन मिल सकता है वो आप जो है नहीं देख पाते। जितनी जाग रहेगी, जितनी सूझबूझ रहेगी, उतना चीज़ें जो हैं आराम से जो हैं डील हो जाएंगी। जितनी हड़बड़ी रहेगी, जितनी जो है अंदर से एक घबराहट रहेगी, उतना जो है आपके लिए वो प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाएगी। सो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सूत्र है जीवन का, जो हमेशा कहीं ना कहीं अगर हम याद रखें कि चीज़ों को जो है जितना काम और रिलैक्स वे के साथ डील करें, जितना हम शांति के साथ जो है चीज़ों को जो है अपने जीवन में जब हम उनके साथ उनको उनके प्रति जो है जब हमारा व्यवहार जो हमारा है उसके प्रति अगर हमारा एक एक शांतिपूर्ण जो है अंदर से एक स्थिति अगर बनी रहेगी हमारी, तो फिर चीज़ें बहुत आराम से हैंडल हो सकती हैं। और वो हैंडल किया उसके अंदर जो है आपको सोल्यूशन भी दिखना शुरू हो जाता है और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में। सो लाइफ में जो भी सिचुएशन हो उसको उसको काम और रिलैक्स वे के साथ डील करना है तो चीज़ें जो हैं बहुत कंट्रोल में रहती है और आपको रास्ता भी दिखता है कि क्या करना चाहिए। तो डिवाइन गाइडेंस यही है। डिवाइन गाइडेंस जो है, गाइडेंस तो छोटी हर जो गाइडेंस है वो अपने आप में डिवाइन क्रिएट हो सकती है। इट कैन बी डिवाइन। छोटी से छोटी सलाह जो है अगर उसको जो है अगर उसके अंदर जो है अगर हमारी प्रेजेंस उसमें एंटर कर जाती है, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो वो डिवाइन हो जाती है, वो डिवाइन क्रिएट हो जाती है। तो जैसे एक छोटी सी सलाह, जैसे मैंने आपको बताया कि काम एंड जितना आप काम और रिलैक्स हैं, जितना आप शांति और अपना जो है चीज़ों को जो है बहुत आराम से जो है चीज़ों को ले रहे हैं, यही जो है गाइडेंस डिवाइन हो जाती है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है आप चीज़ों को लेंगे। और जितनी जो है अगर इसको हमेशा याद रखेंगे तो जीवन जो है हमेशा सपोर्ट करेगा। जीवन की हर प्रॉब्लम्स को जो है आराम से सॉल्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है।